स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स। कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं, ऐसे आमने सामने रखे हुए हैं। इसके बाद ना हम इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। फिर उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि भाई अगर ना मिरर्स को ऐसे एंगल पे रखा जाए तो हम उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से समझना, बहुत ही ज़रूरी चीज़। ये देखो भाई, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट से M1 मिरर है, दूसरा M2 मिरर है, ठीक है। तो अभी क्या होने लगेगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें इनकी दूरियाँ दी हुई है। फाइंड द, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द टू मिरर्स कंसीडरिंग रिफ्लेक्शन ऑन द मिरर वन फर्स्ट। मतलब कि देखिए, सबसे पहला मैंने यहाँ पे क्या कहा कि पहला रिफ्लेक्शन अगर यहाँ पे हुआ है, ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया था, सिमेट्रिक रहती है। सिमेट्रिक रहती है तो ये मान लो कि ये ओ था, यहाँ से इसके सिमेट्रिक पहली इमेज बनी होगी I1। या I1 कितनी दूरी पे रही होगी, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे रही होगी, ठीक है। अभी इसके अंदर, इस मिरर के अंदर भी एक इमेज बनी होगी, वो कितनी दूरी पे रहेगी, 8 सेंटीमीटर हो गया। तो इसके पीछे कितनी दूरी पे, 8 सेंटीमीटर की दूरी पे ये क्या हो गई, I2 इमेज हो गई, ठीक है। अभी हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि सर जो ये I1 थी, दिस I1 विल नाउ बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट, करेक्ट, फॉर विच मिरर, M2। M2 के लिए, क्योंकि M2 के तो अभी ये सामने आ गए ना भाई। M2 को क्या लगेगा, अगर कोई M2 पे बैठा हुआ बंदा है तो उसको तो दिखेगा कि एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है, 8 एंड 2 10, तो ये इनके बीच की दूरी होगी, +2, ये कितनी होगी टोटल, 12। तो M2 को लगेगा कि कोई 12 पे बंदा बैठा हुआ है, समझ में आया। तो ये क्या करेगा, M2 इस I1 की भी एक इमेज बनाएगा। कितनी, इसके कितना सामने है, 12 सामने है, तो अपने से कितनी पीछे बनाएगा, 12 पीछे बनाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे इसकी अगली इमेज बनेगी 12 पीछे, 12 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये है I1 की इमेज इन M2, ठीक है। अभी हम कहेंगे सर ये I2 ने क्या गलती की, हाँ I2 ने भी कोई गलती नहीं की। I2 की इमेज बन जाएगी, I2 की इमेज किस में बनेगी, M1 में, ठीक है। क्यों, क्योंकि M1 पे बैठे हुए बंदे को क्या लगेगा कि I2 है सामने, ठीक है। तब वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा 10 तो दूरी ये होगी और 8 ये होगी, कितनी होगी, 18। तो ये अपने से कितने पीछे, 18 पीछे, ठीक है, 18 सेंटीमीटर पे ये बनाएगा I2 इन M1। यह है इमेज ऑफ I2 इन M1, ठीक। अभी अगर आप देखोगे तो ये तो एक साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। कैसे साइकिल स्टार्ट हो चुकी है कि भाई अभी इस M1 के सामने ये I1 इन M2 जो आया था, इसको अगर मैं नाम देना चाहूँ I3 इमेज, अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ, तो ये I3 इमेज अभी इस M1 के लिए खुद क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी, करेक्ट। कितनी दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट बनेगी ये, भाई 8 और 2 10, तो ये हो गया इनके बीच का गैप, 10 ईयर 12 है, ये कितना हो गया, 22। तो अभी इसके पीछे कितनी पीछे इमेज बना देगा, 22 पीछे, समझ रहे हो, मतलब ये साइकिल शुरू हो चुकी है। अभी अभी क्या हो गया, ये जो बनी थी पहले वाली अपनी I4, ये I4 भाई इस M2 के लिए ऑब्जेक्ट हो गए, करेक्ट। कितनी दूर है ये 18, और ये 10 कितना, 28। तो ये अपने पीछे 28 पे बना देगा, ठीक। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इमेजेस बनने लग रहे हैं। तो कितनी इमेजेस बनेंगी, इनफाइनाइट। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी, ठीक है। इसके लिए अभी शॉर्ट ट्रिक कि किसके अंदर कौन सी इमेज कितनी दूरी पे होगी, उसके लिए ध्यान से देखो, मैं शॉर्ट ट्रिक बताने लग रहा हूँ, एक ध्यान से देखना इस चीज को। ये देखो यहाँ पे साफ सुथरे डायग्राम से बनाया गया है, इस जो इस डायग्राम में दिया गया उसके लिए कन्वेंशन लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से ही सोल्व कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक टेबल बना लो इस तरीके से, ये ठीक। इसमें वो इमेजेस लिखेंगे जो M1 में बनी, इसमें वो इमेजेस लिखेंगे जो M2 में बनी, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो पहली इमेज M1 में कितनी पीछे बनी, M1 से 2 सेंटीमीटर। जो यहाँ पे जो ये दूरियां लिखी जा रही हैं, ये लिखी जा रही है डिस्टेंस फ्रॉम M1,
और इसमें जो लिखी जाएंगी वो लिखी जाएंगी डिस्टेंस फ्रॉम एम टू, ठीक भाई। इसमें ये 2 सेंटीमीटर पीछे हो गया। अभी इसमें पहली इमेज कहाँ पे बनी है, ये 8 सेंटीमीटर आगे था, तो इससे कितने पीछे बनेगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक। अभी क्या करो, अभी देखो भाई इनके बीच की टोटल दूरी कितनी है, 10। तो देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, इसमें 10 जोड़ दो तो कितना बनेगा, 18, ठीक है। जैसे ही इसमें 10 जोड़ोगे 18 पे, आप देख सकते हो कि हमारी एक इमेज बनी हुई है, ये बनी हुई है 18 पे, समझ में आया। ये 2 है, इस 2 में भी कितना जोड़ दो, 10, तो ये कितना हो गया, 12। आप देखोगे हमारी इमेज बनी हुई है 12 पे, ये रही, ठीक है। अभी अगर आप चाहते हो कि इनके आगे की इमेज निकाले, बहुत आसान है, इस तरफ फिर लाके कितना जोड़ दो, 10, ये कितना हो गया, 22। इस तरफ 10 ले जाके जोड़ा तो ये कितना हो गया, 28। अगर आप देखना चाहो तो ये सारी इमेजेस हमने बनाई हुई है 22 पे रही, ये 28 पे रही, आप मैच करके देख सकते हो, ठीक है। तो आप बड़ी आसानी से, अभी जैसे इन्होंने देखो क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द टू मिरर्स कोरोस्पोंडिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर M1 फर्स्ट। तो इस तरीके से हम चाहें तो हम इस साइकिल को एकदम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे 10 जोड़ते जाओ, आपके पर्टिकुलर्स अगली वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है भाई। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो दूरियां हैं ये M1 मिरर से हैं और ये जो दूरियां हैं ये M2 मिरर से हैं, ठीक है। तो बच्चों इस अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर दो मिरर्स एंगल पे रखे हुए हैं, किसी एंगल पे रखे हुए हैं, तो उस टाइम पे नंबर ऑफ इमेजेस कैसे फाइंड आउट और उनकी पोजीशंस कैसे फाइंड आउट होती हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा।